बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चॉक्स के ऊपर पट्टी लगाने का तरीका। फिनिशिंग पट्टी, फाइनल पट्टी और लेस के साथ पट्टी तो हमेशा मैं आपको सिखा चुकी हूँ, मगर आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चॉक्स के ऊपर पट्टी। ऊपर पट्टी हम किस तरह लगाएँगे? अच्छा, कुछ तरीका ऐसा होता है कि यहाँ से कट करके, कुछ लोगों का तरीका लगाने का ये होता है कि वो कमीज़ को यहाँ से कट करके पट्टी लगाते हैं। तो आप सबको ये बात बता दूं, इससे आपका जो पीस है वो डैमेज हो जाता है, यानी कि इस जगह से जहाँ पर हमारे चॉक का एंड होता है, मैं आपको खोल के समझाती हूँ। ये हमारे चॉक का एंड है, यहाँ पर हम कट करेंगे और अंदर वाले फैब्रिक को बाहर के साथ पलट देंगे। तो कुछ लोगों का तरीक़ेकार ये होता है, हर इंसान का अपना तरीका होता है, तो मगर इस तरह आप करेंगे तो आपका पीस डैमेज हो जाएगा। हमने अपने पीस को डैमेज नहीं करना। कभी ऐसा होता है कि शर्ट खुली करनी है या तंग करनी है, तो फिर वो आपके पास ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। तो हम लगाएंगे ऊपर पट्टी। पट्टी मैंने रेडी कर ली है, सेम वही पट्टी है जो मैंने इसके सेंटर में लगाई है। इसका मैंने फ्रंट ओपन बनाया है। अगर आप इसकी मुकम्मल वीडियो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि बीच में से बगैर कट किए फ्रंट ओपन मैंने कैसे बनाया है, तो ये वीडियो मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अच्छा, बात करते हैं इसके ऊपर। ये वही पट्टी है जो मैंने सेंटर में लगाई है। इसके साइड में से ये पट्टी निकली थी, मैंने इसे जीरो के बुकरम के साथ नीट कर लिया है। जीरो का बुकरम नहीं है तो आप रेगुलर बुकरम भी लगा सकते हैं। रेगुलर बुकरम से ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो जाता है, जीरो से बस हमें एक थिकनेस आती है, ज़्यादा नहीं होता। अगर आपके पास जीरो का बुकरम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, लगा लें तो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो भी ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चौक के ऊपर फिनिशिंग पट्टी लगाना, किस तरह लगाएंगे इस वीडियो में। तो ये है हमारे साइड चौक जो कि मैंने प्रेस कर लिए हैं, मगर मैं आपको फिर प्रेस करके बताऊंगी, दिखाऊंगी। जो लोग बिगनर्स हैं, जिनसे जिन्हें आइडिया नहीं है कि हमसे ज़्यादा चौक दबेंगे या कम दबेंगे, तो डियर आप सब ने अपनी आसानी के लिए अपने चौक्स को इस तरह पकड़ के प्रेस करना है जितना आपको दबाव रखना है। ज़्यादा दबाव रखना है तो आप ज़्यादा प्रेस करेंगे, कम दबाव रखना है तो आप कम प्रेस करेंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपका जो काम है बहुत ज़्यादा जल्दी भी होगा और नीटनेस से भी होगा। बस इस तरह आपने शुरू में फोल्ड करना है और एंड में फोल्ड करना है, तो जो बीच का आपका मतलब साइज है वो खुद ब खुद ही बन जाएगा। आपकी जो क्रीज लाइन है वो खुद ब खुद ही आ जाएगी। और मैंने इसे नीचे फिनिशिंग पट्टी के साथ नीट कर दिया है। इसमें भी मैंने जीरो का बुकरम लगाया है। ट्राउज़र के कपड़े के साथ मैंने इसे नीट किया है, नीचे ऑलरेडी बॉर्डर था तो इसलिए हमने वो पट्टी स्किप कर दी है। हमने इस पट्टी के लिए चाक को इस तरह फोल्ड करना है जिस तरह हम लोग सिंपल चौक बनाते हैं। और इसमें मैं आपके साथ वो मिस्टेक शेयर करूंगी जो बहुत सारे लोगों के साथ हो जाती है। जब हम अपने चौक को नीट करते हैं तो सबसे पहले हम इसे एक फोल्ड करते हैं और उसके बाद दूसरी फोल्ड करते हैं। जब हम फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं तो हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ज़रा सा, बहुत मामूली सा, ये बाहर की साइड निकल जाता है। तो हमने इसे किस तरह छुपाना है? हमने इस फैब्रिक पट्टी को इस तरह टर्न करना है थोड़ा सा ट्राइंगल शेप में और फिर इसे फोल्ड करेंगे। तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो हमारी यहाँ से नोक बन जाएगी और एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं निकलेगा। ये सब लोग तरीका वो इस्तेमाल करेंगे जो सादे चौक बना रहे हैं। साथ साथ मैं आपको टिप भी देती जा रही हूँ कहाँ हम मिस्टेक करते हैं और कहाँ हम सही बनाते हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई। तो मैंने चौक के ऊपर सिलाई लगा ली है। जो लोग पट्टी लगाएंगे वो भी इसी तरह टर्न करेंगे, जो सादे चाक बनाएंगे अपनी शर्ट के ऊपर वो भी इसी तरह टर्न करेंगे। तो देखें एक्स्ट्रा कपड़ा इसका छुप गया है। क्यों छुप गया है? हमने यहाँ पर नोक बनाई है। अब हमने क्या करना है, इस तरह इसको पलटना है और जो हमारा साइड है, यानी कि जहाँ पर हमारी चौक की सिलाई फाइनल हुई है, यहाँ से इस जगह से 1 इंच ऊपर की साइड पर हम निशान लगाएंगे। और सेम इसी तरह दूसरे चौक को टर्न करेंगे और 1 इंच ऊपर की साइड पे चौकिंग करेंगे, उसके बाद पट्टी लगाएंगे। तो यह है हमारे चौक का कोना, यानी कि जहाँ से हमने नोक बनाई थी। अब यह है वो फैब्रिक पट्टी जिसको हमने इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो पहले इस पट्टी को हल्का सा तराश देंगे
उसके बाद हमने इस पट्टी को इस तरह रखना है। अच्छा, ऊपर से हमने पट्टी को कट करना है। एक बनता है ऊपर से नोक वाला, उसकी नोक कुछ इस तरह होती है। इस वाली पट्टी को इस तरह आपने फोल्ड करना है नीचे की साइड पर, और फिर इस पट्टी को इस तरह नोक बनानी है। ये मैं आपके साथ इसीलिए नहीं शेयर कर रही हूँ, ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, ये पुराना डिज़ाइन है, पुराना है, इस तरह अभी नया नहीं चल रहा। नया जो है वो ये है कि आपने इस पट्टी को कट करना है, क्योंकि हम इसको स्क्वायर में बना रहे हैं, नोक वाला नहीं बना रहे। नोक वाला जो है थोड़ा सा ओल्ड लगता है, अच्छा नहीं लगता जब चौक के ऊपर नोक आती है। तो आपने इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करना है, निशान हमने पहले से ही लगाया हुआ था। तो हमारी पट्टी लगकर हो गई है कंप्लीट। अब मैं आपको उसको प्रेस करके इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चौक पे पट्टी मैंने कंप्लीट कर ली है और अब मैं कर रही हूँ उसे प्रेस। प्रेस करने से इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो बैठ जाएंगी। और आप सबने देखा, मैंने जो सादा चाक बनाया था उसके ऊपर पट्टी लगाई है, हमारी पट्टी भी लग गई है और हमारी कमीज़ भी डैमेज नहीं हुई। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम पीस को यहाँ से कट कर देते हैं, उससे आपका पीस डैमेज हो सकता है। डियर, आप सबने पट्टी को थिक करने के लिए पहले अंदर सादे चाक बनाने हैं, उसके बाद आपने इसके ऊपर पट्टी लगानी है या लेस लगानी है, जो आपका दिल करे आपने लगाना है। बहुत ही सफाई के साथ बनेगा। और ये देखें, ये है डबल चौक और मैंने यहाँ पर स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर बहुत ज़्यादा फैशन में है, नोक बनाते हैं वो अच्छी नहीं लगती, नोक काफ़ी दफ़ा तो बहुत ज़्यादा ऊपर भी चली जाती है। स्क्वायर में ये है कि आपके हाथ में है जितना ऊपर करना है या जितना नीचे करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सबने मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है, बहुत ही अच्छे से कमेंट के साथ। और आपने मुझसे क्या सीखा घर बैठे आप सबने वो भी बताना है, कौन मुझे कहाँ से देख रहा है वो भी बताना है। जानकर दिल को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे देखने वाले कितनी दूर से मुझे देख रहे हैं। अच्छा, दोनों चाक सेम बनाए हैं, बीच में फ्रंट ओपन है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मैंने कट वाला गला किस तरह बनाया है, मैंने पूरी शर्ट को फ्रंट ओपन बनाया है बट कट नहीं किया, इसका क्या मेथड है, आपको इसकी अगली वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आपने मुझे बताना है कि आपको आज की चाक की पट्टी लगाने का स्टाइल और तरीका कैसा लगा। अच्छा लगा हो डियर तो आप सबने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। उस पर भी आप सबकी आसानी के लिए मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ छोड़ी हुई हैं। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग नए हैं आप सबका वेलकम। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।